Hi everyone, I am Divya Shishodia. So in this tutorial we are going to learn array in Python. So आज हम देखने वाले हैं कि array क्या होता है, हम Python में array को कैसे use कर सकते हैं. So basically अगर आपने कोई और language पहले सीखी होगी तो उसमें आपने सुना होगा array हम बहुत ज़्यादा use करते हैं, जैसे C हो गया, C++ हो गया and Java हो गया, तो इसमें हम क्या करते हैं array का बहुत ज़्यादा use करते हैं. But Python में क्या है, Python में जो predefined function, जैसे predefined data type है, जैसे list हो गया, tuple हो गया, sets हो गया, इसका इतना एडवांस यूज है कि हम एरे को बहुत कम यूज करते हैं. और जो एरे है वो इसमें क्या है, कोई डेटा इनबिल्ट डेटा टाइप नहीं है, हम इसको लाइब्रेरी मॉड्यूल के थ्रू इंपोर्ट करा के यूज कर सकते हैं. बट जो लिस्ट है वो भी एरे का ही काम कर देता है, और उसमें भी मतलब जैसा डेटा हम एरे में स्टोर करते हैं वैसे हम लिस्ट में भी कर सकते हैं, सेम टू सेम वैसे ही होता है. बट एरे क्या हो जाता है, हम पाइथन में बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है एंड जो लिस्ट है वो बिल्ट इन डेटा टाइप है, तो हम लिस्ट प्रीफर करते हैं. बट आज हम देखेंगे कि एरे कैसे हम कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे हमको डेटा एरे इंपोर्ट करना है हमारे प्रोग्राम में एंड हम कैसे एरे पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. तो एरे क्या होता है, एरे होता है जो वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट कर, मतलब अगर आपने कोई डेटा स्टोर किया है एरे में तो वो कंटिन्यूअसली मेमोरी में क्या होगा, स्टोर होगा. सपोज आपने पहले 10 किया, 20 किया, 40 किया, 30 किया, तो ये क्या होगा, पहले 0 जो भी मेमोरी वो लेगा उसमें एक-एक इंक्रीज होते जाएगा. तो ऐसे होता है, मतलब हमारा इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी में डेटा स्टोर होता है. और अगर आप और कोई में देखेंगे तो कहीं पे भी हो जाएगा, बट एरे में क्या होगा कि वो सिर्फ कंटिन्यूसली डेटा स्टोर करता है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब अगर हम इसको एक्सेस करना चाहें तो हम इसको इंडेक्स के थ्रू फेच कर सकते हैं कि 0 इंडेक्स पे क्या डेटा है, 1 इंडेक्स पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है. तो हम एरे में क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा एक्सेस कर सकते हैं. सो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा इसका थ्योरी कि एरे जो है वो इंडेक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज को क्या हम एक्सेस कर सकते हैं. सो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, एंड आपके जितना लेंथ रहे, पर स्टार्ट हमेशा कहां से होगा, 0 से होगा. तो सपोज अगर आपने कहा कि मेरा 10 एलिमेंट्स है मेरे एरे में, तो वो स्टार्ट कहां से होगा, 0 से लेके 9 तक रहेगा उसमें इंडेक्सिंग. सो अगर हमको एरे यूज करना है पाइथन में तो हम इंपोर्ट एरे को इंपोर्ट कराएंगे या फिर एरे डॉट एरे करके यूज कर सकते हैं. सो इसमें क्या है, एरे में यहाँ पे सेम टाइप का डेटा स्टोर होता है. अगर आप इंट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इंट करेंगे, अगर आप फ्लोट वैल्यू करना चाहते हैं तो सिर्फ फ्लोट करेंगे, अगर आप स्ट्रिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ स्ट्रिंग करेंगे. तो इसके कुछ मतलब मॉडिफाइज है जैसे कि हम कैसे यूज कर सकते हैं. सो अगर आपको इंट यूज करना है तो आप बी यूज कर सकते हो, या तो बी यूज करेंगे या तो आई यूज कर सकते हो यहाँ पे आई. और अगर आपको फ्लोट यूज करना है तो आप एफ यूज कर सकते हैं या डी यूज कर सकते हैं. तो ये क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है, मतलब कि अगर हमने यहाँ पे आई लिखा तो ये समझ जाएगा कि हमारा जो डेटा है वो क्या है, इंट टाइप का है. अगर मैंने यहाँ पे बी लिखा तो डी लिखा तो ये तो ही समझ जाएगा कि मेरा जो डेटा ये फ्लोट टाइप का है. सो अभी हम ये देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हम एरे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एरे में डेटा कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे अपडेट करते हैं डेटा, इसमें स्लाइसिंग कैसे वर्क कर सकते हैं, सर्च कैसे कर सकते हैं. सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे पाइथन पे और हम स्टार्ट करेंगे इसका कोड कि हम एरेस पे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. तो राइट क्लिक करके हम पाइथन फाइल बनाएंगे, तो हम लिखेंगे एरे और इसके बाद स्टार्ट करेंगे. तो एरेस को हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये कोई प्रीडिफाइंड डेटा टाइप नहीं है तो हमको इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा. तो हम इंपोर्ट एरे लिखेंगे, तो ये हमारा क्या दे देगा, एरे की जो पूरी लाइब्रेरी पूरा डेटा मॉड्यूल है वो हमको लाके दे देगा. अब मेरे को एक एरे बनाना है, तो एरे के लिए मैं क्या करूँगी, एरे डॉट एरे करूँगी. सो एरे डॉट एरे करके हम यहाँ क्या करेंगे, एक स्पेसिफायर यूज़ करेंगे. जैसे मुझे आई वाला डेटा स्टोर करना है तो मैं आई यूज़ कर, तो आई से क्या समझ जाएगा कि मैं इंट वाला डेटा यूज़ करने वाली हूँ. अब हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कराते हैं, तो प्रिंट हम ऐसे कराएंगे. सो हम इसको अभी क्या करेंगे, राइट क्लिक करके रन करके देखेंगे. सो हमारा क्या आ गया, डेटा आ गया एरे का कि 2, 4, 7, 9 है. अगर मैंने यार 2.5 यूज़ किया, 4.9 यूज़ किया, 7.9 यूज़ किया एंड 9.3 यूज़ किया, तो हम देखते हैं हमको क्या डेटा मिलने वाला है. सो हमको इसने क्या दे दिया कि इंटीजर आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये इंट कर रहा है क्योंकि हमने ये स्पेसिफायर क्या लगा दिया, आई लगा दिया. बट हम इसको क्या दे रहे हैं, फ्लोट दे रहा है, तो इसने हमको एरर दे दिया. तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ फ्लोट का स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा. तो फ्लोट का जो है वो क्या है, डी है. तो अभी क्या करेगा, हमको इसने परफेक्ट डेटा दे दिया. तो ऐसे हम एरे में इंट फ्लोट को स्टोर करना है तो ऐसे स्टोर कर सकते हैं. सो अभी हमने यहाँ पे हमने एरे में नॉर्मल डेटा दिया, अब हम क्या करेंगे, डेटा एक्सेस कैसे कर सकते हैं. तो एक्सेस हम कैसे करेंगे, तो हम एक्सेस कर सकते हैं प्रिंट
एरे ऑफ वन से एरे ऑफ जीरो। अगर आपको फर्स्ट डेटा चाहिए तो आप एरे ऑफ जीरो लिख सकते हो, सेकंड डेटा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, एरे ऑफ वन यूज कर सकते हो। सो हमको यहाँ पे मिल जाएगा फर्स्ट डेटा, सेकंड एलिमेंट मिल गया। फर्स्ट क्या मिला 2.5 मिल गया, सेकंड क्या है 4.6। तो हाँ, इसने हम क्या दे दिया, फर्स्ट 2.5, सेकंड 4.6। तो ऐसे हम डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको पूरा डेटा यूज करना है तो आप क्या लगा सकते हैं, फॉर आई एन ए। तो ए को हम क्या डालेंगे, आई में डाल देंगे। फोर लूप में हमने ये पढ़ा था, तो आप वो वीडियो भी रिफर कर सकते हो अगर आपको फोर लूप समझना। यहाँ हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, हम आई को प्रिंट करेंगे, क्योंकि आई में क्या हो गया होंगे, ए के जो एरे के जो एलिमेंट्स है वो आई में आ गए होंगे। तो हम इसको यहाँ रन करेंगे, तो इसने हमको कंटिन्यूसली क्या दे दिया, फर्स्ट एलिमेंट दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, फोर्थ दिया। तो ऐसे हम कर सकते हैं, या तो अगर आपको पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट चाहिए या जीरो इंडेक्स का चाहिए, वन का चाहिए, थ्री का चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एरे ऑफ करके यूज कर सकते हो इंडेक्सिंग के थ्रू। सो अभी हमने क्या दे दिया, ये देख लिया यहाँ पे हमने एक्सेस कैसे देखते हैं। अब क्या हम क्या देखेंगे कि हम ऐड कैसे कर सकते हैं डेटा, ऐड। तो हम यहाँ पे हमने एक एरे यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे और वैल्यूज को ऐड करेंगे। सो अभी मैंने क्या किया, इसको मैं लिख देती हूँ बिफोर डेटा, एंड हम यहाँ पे अभी ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम दो फंक्शन यूज कर सकते हैं, या तो अपेंड करा सकते हैं या तो इंसर्ट करा सकते हैं। तो इंसर्ट हम यूज करते हैं जब हमको इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा यानी अपेंड कराना, जैसे आपको कभी बीच में डेटा अपेंड कराना, कभी फर्स्ट में कराना है, कभी कोई इंडेक्स पर्टिकुलर इंडेक्स पे कराना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट यूज करेंगे। एंड अगर आप चाहते हो कि मुझे हमेशा लास्ट में चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपेंड यूज कर सकते हो। सो हम क्या करेंगे, ए डॉट हम यूज करेंगे इंसर्ट। सो इंसर्ट हम लिखेंगे, तो इंसर्ट के लिए हमको क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए कि आपको कौन से। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे कोई दूसरा डेटा ऐड करना, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, यहाँ लिखूंगी मैं फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे क्या ऐड कराना है, 3.5 कराना है। सो हम अभी क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इसको ए को, तो हमारे डेटा ने ऐड किया, अपेंड किया कि नहीं हम देखते हैं। सो हमने इसको रन किया, सो हमारे कोड ने क्या दे दिया, बिफोर एरे क्या था 2.5, 4.6, 7.9.3, एंड आफ्टर ऑपरेशन एरे क्या हो गया है, 3.5 को उसने कहाँ ऐड कर दिया, वन इंडेक्स पे, क्योंकि मैंने यहाँ वन प्रेस किया था। अगर मैं यहाँ टू, यहाँ मैं थ्री करती हूँ, तो ये क्या कर देगा, थ्री पे भेज देगा, तो थ्री कहाँ है मेरा, ये इंडेक्स था। तो इसके बाद इसने यहाँ पे थ्री इंडेक्स पे क्या कर दिया, वैल्यू को ऐड कर दिया। सो हम ऐसे अपेंड इंसर्ट का यूज कर सकते हैं, अपन करेंगे अपेंड का यूज, ए डॉट अपेंड। सो अपेंड क्या करता, अपेंड को हमको इंडेक्स की जरूरत थी, वो हमेशा क्या करेगा, एरे के लास्ट में ऐड करेगा। तो मैंने जैसे 7.5 कहा, तो ये क्या करेगा, हमेशा एरे के हमारा जो ये रहेगा, यहाँ पे हमने प्रिंट नहीं कराया, तो हम इसको करते हैं, सो अभी इसने क्या किया होगा, ये अपेंड इंसर्ट ने ये 7. ये एक एलिमेंट 3.5 ऐड कर दिया, और फिर ये अपेंड ने क्या किया, पूरे एरे के लास्ट में 7.5 ऐड कर दिया। अब आप जैसे भी हमेशा अपेंड करते जाएंगे, तो वो हमेशा क्या करेगा, एरे के लास्ट में वैल्यू ऐड करेगा। जैसे मैंने फिर से किया, तो इसने क्या कर देगा, फिर से 9.5 क्या कर दिया, लास्ट में ऐड कर दिया। सो ये ऑपरेशंस है, ये ऑपरेशंस हो गए हमारे ऐड करने के, अगर आपको एरे में ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हो। सो अभी हम देखेंगे, हम अब ये एरे को फ्लोट के की जगह नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल मतलब कि एंट कर देते हैं। तो अभी हमने देख लिया एक्सेस कैसे करेंगे अपेंड, अब हम देखेंगे डिलीट कैसे करते हैं डेटा। तो हमको डिलीट करने के लिए ए डॉट दो फंक्शंस है, उसके लिए भी एक तो पॉप कर सकते हैं, या तो आप रिमूव कर सकते हैं। तो पॉप अगर करते हैं तो वो या तो लास्ट वाला एलिमेंट करता है, या तो इंडेक्स के थ्रू करता है, और अगर रिमूव करते हैं तो हम आप एलिमेंट डाल सकते हो कि मेरे को जैसे 9 को रिमूव करना है, तो आपने रिमूव में 9 डाल दिया। सो हम देखेंगे रिमूव, तो रिमूव अगर आपको 9 करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 9, एंड फिर प्रिंट करेंगे हम।
तो इसको हमने रन किया, तो इसने हमको क्या कर दिया, बिफोर हमारा क्या था, ये हमने फ्लोट को, हमको इंट चाहिए था, हम आई लिखेंगे तो हमारा इंट को दे देगा वो। सो इसने 2, 4, 5, 7 था, और मैंने जैसे ही रिमूव 9 किया तो इसने क्या किया, रिमूव उसको जहाँ पे भी 9 मिला उसने उसको रिमूव कर दिया। सपोज मेरे पास यहाँ पे भी 9 है एंड यहाँ पे भी 9 है, तो अब ये क्या करेगा, अब दोनों को रिमूव करेगा नहीं, ये एक को करेगा, किसको करेगा, जो उसको पहले मिलेगा वो उसको रिमूव कर देगा और बाकी जैसा का वैसा रहने देगा। सो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रिमूव यूज कर सकते हैं। हम देखेंगे हम पॉप कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पॉप, तो पॉप क्या करेगा, पॉप को हमको इंडेक्स देना पड़ता है, तो इंडेक्स में को सपोज 1 इंडेक्स का डेटा रिमूव करना, तो 1 पे क्या है 4 है, तो ये क्या कर देगा 4 को रिमूव कर देगा। सो देखो जिसमें 2, 4, 7, 9 था इसमें 4 नहीं है, तो ऐसे पॉप यूज कर सकते हैं हम। एंड हम देखेंगे कि हम पॉप पे अगर कुछ डेटा नहीं भेजे, तो इंडेक्स नहीं भेजे, तो ये क्या करेगा, तो ये लास्ट वाला एलिमेंट करेगा, जैसे 9 था तो 9 को कर दिया, फिर मैं क्या करूंगी फिर से एक और पॉप यूज करूंगी, तो ये क्या करेगा अब 7 को भी डिलीट कर देगा, तो इसको क्या मिला 7 को भी डिलीट कर दिया इसने, सिर्फ 4 रह गया। तो ऐसे करता है पॉप, लास्ट लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है, जैसे अपेंड क्या करता था लास्ट में ऐड करता था, वैसे पॉप क्या करता है लास्ट को डिलीट करता है। सो ऐसे हमने देखा कि हम डिलीट कैसे कर सकते हैं डेटा। अब हम देखेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम हमने यहाँ पे डेटा डिलीट कर दिया, अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पे सर्च कैसे करते हैं, तो ए डॉट सर्च करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे इंडेक्स, तो इंडेक्स हमको सर्च करके बताएगा कि ये वेरिएबल, ये जो हमारा अब डेटा है ये है कि नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक दो एलिमेंट और डाल देते हैं, 8 और 5। अब मैं यहाँ पे डालती हूँ मुझे चाहिए 7 है कि नहीं इसमें, सो ये हम देखेंगे कि आफ्टर ये क्या प्रिंट करता है, तो ये क्या करेगा अब ये हमको कुछ सर्च क्या करता है, सर्च हमारे जो एरे में कुछ चेंजेस नहीं करेगा, ये हमको रिटर्न करेगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा इसको ही प्रिंट कराना पड़ेगा, या तो हम वो वैल्यू को फिर स्टोर कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे अभी डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं इसको। तो इसने मेरे को क्या दे दिया कि मैंने 7 पास किया, तो इसने 7 का इंडेक्स दे दिया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 इंडेक्स पे हो गया। मैंने यहाँ पे 5 पास किया, तो ये 5 मेरे को कितना दे देगा 5 दे देगा, क्योंकि ये 5 नंबर पे है। मैंने यहाँ पे 8 पास किया, 8, तो ये क्या दे देगा मेरे को 8 कितने नंबर पे 4 नंबर पे इंडेक्स पे है। सो ऐसे मैं क्या कर सकती हूँ, सर्चिंग का यूज़ कर सकती हूँ, और हम क्या करेंगे हम अपडेट करके देखेंगे, तो हम डेटा अपडेट कैसे कर सकते हैं, हम इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं। सपोज मेरे को ए ऑफ 0 पे क्या चाहिए, ए ऑफ 0 पे मुझे 11 चाहिए, तो अब मैं यहाँ प्रिंट करा के देखूंगी एरे को, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे लास्ट का एरे दे देगा। इसने क्या कर दिया, इसमें अपेंड कर दिया, मतलब कि क्या कर दिया, अपडेट कर दिया हमारे एरे को। तो हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, हम अपडेट कर सकते हैं इंडेक्स के थ्रू। सपोज मेरे को चाहिए 4 नंबर पे कोई डेटा, तो इसने क्या कर दिया हमारे एरे को अपडेट कर दिया, 4 नंबर पे 11 फिर से ऐड कर दिया। मैं यहाँ पे चाहती हूँ मुझे 16 चाहिए, तो 16 को ऐड कर देगा 4 नंबर पे 16। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एरे को अपडेट कर सकते हैं। हमने सर्च देख लिया, अपडेट देख लिया, अब हम देखेंगे कि स्लाइसिंग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग क्या है, स्लाइसिंग कंटिन्यू, अगर आपको कोई डेटा, आपको जैसे एरे मिला उसमें से आपको कोई पर्टिकुलर रेंज के थ्रू डेटा चाहिए कि मुझे 2 से लेकर 5 तक डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्लाइसिंग यूज़ करते हैं। तो स्लाइसिंग भी क्या होती है, इंडेक्सिंग के थ्रू यूज़ करते हैं। तो सपोज मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट करवाया प्रिंट ए, और मुझे क्या चाहिए 1 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स 5 इंडेक्स तक का डेटा चाहिए, तो ये मुझे अब क्या प्रिंट करके देता है, ये हम देखेंगे। इसने हमको क्या एरर दिया, एरे इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर। हाँ, सो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट ए, हमको क्या चाहिए, हाँ स्लाइसिंग ऐसे यूज नहीं करते, स्लाइसिंग हम कॉलन लिखना भूल गए। तो अभी हमको देते क्या देगा, हमको इसने दे दिया 1 से लेके 5 तक, तो 1 मतलब 0 वाला जो इंडेक्स पे 2 है, तो 0 वाला डेटा नहीं दिया इसने, 1 पे 4 है तो 1 दिया, 7 दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 तक, तो ये मुझे क्या देगा, सिर्फ 3 तक का डेटा देगा।
मतलब ये G1 से स्टार्ट करेगा और ये दोनों डेटा देगा, क्योंकि ये 1 0 हो गया और जैसे मैंने 3 डाला तो 3 तक नहीं, ये सिर्फ 2 इंडेक्स तक का ही डेटा देगा, मतलब जितना भी आप लास्ट लिमिट लिखते हो उससे एक कम डेटा देता है, और यहाँ तो 1 से ही स्टार्ट कर देगा। सो अगर मुझे स्टार्टिंग से चाहिए, स्टार्टिंग से मुझे चाहिए कि लास्ट 4 तक मेरे को डेटा चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, इसके लिए मैं डायरेक्ट वहाँ पे कुछ भी नहीं डालूंगी तो वह समझ जाएगा कि हमको 0 से डेटा देना, तो इसने 2 भी दे दिया, 4 भी दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया, 4th तक, 3rd तक दे दिया और 4th वाले को नहीं दिया, तो ऐसे हम स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं। सो ये कुछ ऑपरेशंस थे जो हम एरे के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसका कोड यहाँ पे है पंजवन ट्यूटोरियल्स पे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।